ओम श्री शीतलनाथाय नमः। आज हम जानेंगे 24 तीर्थंकरों में 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का संक्षिप्त परिचय। इनका चिन्ह कल्प वृक्ष का था। दो भाव पूर्व इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, वहां से प्रारंभ करते हैं। मनुष्य गति में ये थे। उस्कुरार द्वीप के पूर्व विदेह के वत्स्य देश की सुसीमा नगरी में सीता नदी के दक्षिण तट पर पद्म गुल्म अथवा महापद्म नाम के मंडलेश्वर थे। इनके पिता का नाम सर्वजनानंद और गुरु का नाम अभयानंद था। वहां से आयु पूर्ण करके अच्युत अथवा आरण स्वर्ग में इंद्र हुए और फिर वहाँ से चयकर अब सीधे तीर्थंकर होने वाले हैं हमारे भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के मालव देश की भद्रिलापुर नगरी में इक्ष्वाकु वंश में राजा दृढ़रथ तथा सुनंदा देवी के यहाँ। सुनंदा देवी के चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन इनके गर्भधारण हुआ। गर्भ का समय प्रातःकाल, गर्भ का नक्षत्र पूर्वाषाढ़। जब जन्म हुआ तो वह जन्म की तिथि माघ कृष्णा द्वादशी थी। जन्म का नक्षत्र पूर्वाषाढ़, जन्म की राशि धनु, शरीर का वर्ण तपे हुए स्वर्ण के समान, शरीर की ऊंचाई 90 धनुष थी। अब हम इनकी आयु जानेंगे और आयु के काल में संपूर्ण विवरण जानने का प्रयास करेंगे। तो इनकी आयु थी कुल 1,00,000 पूर्व, कुमार काल 25,000 वर्ष, राजभोग काल 50,000 वर्ष, छद्मस्थ काल 3 वर्ष, केवली अवस्था का प्रमाण काल 3 वर्ष कम 25,000 पूर्व, वैराग्य का कारण हिम का नाश। हिम के नाश से इनको क्षणभंगुरता का ख्याल आ गया। हिम का अर्थ बर्फ ही होता है, उसके नाश से क्षणभंगुरता का ख्याल आया और इन्हें संसार से वैराग्य हो गया। दीक्षा इन्होंने ले ली। दीक्षा की तिथि माघ कृष्णा द्वादशी थी। दीक्षा काल अपरान्न, दीक्षा नक्षत्र मूल अथवा पूर्वाषाढ़, दीक्षा पाल की शुक्र प्रभा, दीक्षा नगर भद्रिलापुर, दीक्षा उद्यान सहेतुक, दीक्षा वृक्ष पलास, दीक्षा वृक्ष की ऊंचाई 1,080 धनुष, उपवास का नियम बेला तृतीय उपवास, 1,000 राजाओं ने साथ में दीक्षा ली। इन्होंने दीक्षा के 3 दिन बाद क्षीरान्न का आहार लिया। आहारदाता का नाम नंदन, पारणा किए हुए नगर का नाम अरिष्टपुर, तपादि काल का प्रमाण 25,000 पूर्व, केवल ज्ञान से पहले उपवास धारणा का नियम बेला, केवल ज्ञान की तिथि पौष कृष्ण चतुर्दशी, केवल ज्ञान का समय अपरान्न, केवल ज्ञान का नक्षत्र पूर्वाषाढ़, केवल ज्ञान का उद्यान सहेतुक, केवल ज्ञान का स्थान भडिल, केवल ज्ञान का वृक्ष धूलिशाल। अब हम जानेंगे समोसरण से संबंधित कुछ बातें, समोसरण का विस्तार और उसमें कौन कौन उपस्थित थे उनकी चर्चा करेंगे। समोसरण का विस्तार 7.5 योजन का था अथवा कहें 30 कोस का था। ये पद्मासन में विराजमान थे। इनके समोसरण में 7,000 केवली थे, 1,400 पूर्वधारी थे, 59,200 शिक्षक थे, 7,500 महापरिज्ञानी, 12,000 विक्रिया रिद्धिधारी, 7,200 अवधि ज्ञानी, 5,700 वादी, 1,00,000 कुल संघ की संख्या थी। इनके गणधरों की संख्या 87 थी। मुख्य गणधर कुंथु थे। मुख्य आरिका धारणाश्री थी। गणनी की संख्या 3,80,000। मुख्य श्रोता का नाम श्री मंदर। श्रावकों की संख्या 2,00,000। श्राविकाओं की संख्या 4,00,000। यक्ष ब्रह्मेश्वर, यक्षिणी ज्वाला मालिनी। आयु के अंत में योग निरोध का समय 1 महीना पूर्व। मोक्ष की तिथि आश्विन शुक्ला अष्टमी। मोक्ष का समय पूर्वान्न, मोक्ष का नक्षत्र पूर्वाषाढ़, मोक्ष का क्षेत्र सम्य शिखर, मोक्ष के क्षेत्र का विशिष्ट स्थान विद्युत प्रवकूट, मोक्ष के समय का आसन कायोसर्ग, 8,400 शिष्य
इनके 8,400 शिष्य सौधर्म स्वर्ग से लेकर ऊर्ध ग्रेवक तक गए, 11,000 शिष्य अनुत्तर विमान में गए और इनके मोक्ष जाने के पहले ही 80,600 शिष्य मोक्ष चले गए, 1,000 सहगामी मोक्ष हुए। तीर्थ काल में अनुबद्ध केवली 84 एक मत से और दूसरे मत से 90 है। कुछ और अत्यल्प जानकारी इनके विषय में विशेष, पद्म गुल में नाम के भाव में दीक्षा धारण कर 11 अंग का ज्ञान प्राप्त कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। शीतलनाथ का जन्म पुष्प दंत के जन्म होने के बाद 9 करोड़ सागर 1,00,000 पूर्व प्रमाण काल बीत जाने पर हुआ। शीतलनाथ जिन देव पुष्प दंत के मोक्ष जाने के 9 करोड़ सागर काल प्रमाण बीत जाने पर मोक्ष गए। शीतलनाथ का तीर्थ प्रवर्तन काल 1 करोड़ सागर में कुछ घटाना है, कितना घटाना है, 100 सागर प्लस आधा पल्ल प्लस 25,000 पूर्व 66,00,000 26,000 वर्ष, इतने 1 करोड़ सागर में से घटाना है तब इनका तीर्थ प्रवर्तन का काल आएगा। शीतलनाथ के तीर्थ में कनक प्रभ नाम का 10वां कामदेव एवं विश्वानल नाम का 4था रुद्र हुआ। शीतलनाथ के तीर्थ काल में आधा पल्ल का धर्म विच्छेद हुआ था। इस तरह से हमने 10वें शीतलनाथ भगवान का अति संक्षेप में अनेक विशेषताओं सहित परिचय जाना। इसके बाद अब हम आगे के तीर्थंकर के बारे में जानते रहेंगे, इनका हम अनुसरण करें। इसी के साथ विराम।